नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जिलेट गार्ड में आप ब्लेड को कैसे लगाएं और कैसे निकालें और इससे शेविंग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखा जाए। सबसे पहले ये है आपका रेजर, और रेजर आप देख सकते हैं, इसको बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से दबाइएगा और देखिए बिल्कुल एक हाथ से मैं इसको निकाल के दिखाऊंगा। लग गया, निकल गया, ये देखिए निकल गया है। अब लगाना है तो जस्ट इसको ऐसे पुल करना है हल्का सा, एकदम देखिए दिखाई भी नहीं देगा कैमरा में, इतना है कि ये देखिए हल्का सा पुल करना है। और आप देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ मैं, ये एक तरफ से लग गया है और एक हाथ से मैं लगा के दिखाऊंगा, ओनली वन हैंड। ये देखिए, ये देखिए एक तरफ से लग चुका है, ये दूसरा हाथ से ऐसे बस प्रेस कर देना है। ये देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया है, अब ये रेजर काम करने लगेगा। बस इसको ये ध्यान रखें कि जिलेट जो गार्ड है इसका रेजर तभी अच्छे से एक शार्प कर सकता है आपका फेस, जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करके टॉप लगाएंगे, जैसा कि ये बंदा दिखा रहा है। देखिए आप ये क्रीम लगाए हुए अपने फेस पे, और ये फेस वॉश लगा सकते हैं आप, कोई भी साबुन लगा सकते हैं, नहाने वाला सोप लगा सकते हैं, उसके बाद ही शेविंग करें, ताकि आप जो शेविंग करेंगे वो ज़्यादा शेविंग कर सकते हैं। जैसे एक जिलेट गार्ड से आप 6 से 7 बार शेविंग कर सकते हैं, अगर ये क्रीम लगाइएगा तो 9 बार भी हो सकता है। तो देखिए ये 22 रुपये का जिलेट गार्ड का ये गार्ड है, ये रेजर है, और 10 रुपये का ये ब्लेड है, और बहुत ही अत्याधुनिक है, इसमें आपको कट फट कहीं नहीं होता है बॉडी में, बहुत अच्छा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।